नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ था अहमदाबाद, और अहमदाबाद में मैं किस फार्म पर खड़ा हुआ हूँ और उसके ऑनर कौन है, वो सारी जानकारी आज हम उनके जो ऑनर हमारे साथ में हैं हम उन्हीं से जानने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते प्रदीप भाई। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। कैसा है, गर्मी का आनंद पूरा आ रहा है कि नहीं? हाँ, अभी तो बहुत गर्मी है यार। गर्मी ज़्यादा है। हाँ। तो सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का नाम बताएं, और अपना फार्म अहमदाबाद में किस लोकेशन पर है? मेरा नाम नीलय पटेल है, मैं इधर आंबली अहमदाबाद में हूँ, और मेरा फार्म का नाम है लंकेश स्टड फार्म। लंकेश। ओके। और गोवर्धन फार्म है हमारा, गौशाला दो फार्म है, और हम इधर इस्कॉन अहमदाबाद में इस्कॉन एरिया बोलते हैं, इस्कॉन टेम्पल के नजदीक। बिल्कुल। तो इधर ही मतलब इस्कॉन टेम्पल से 5 मिनट ही हमारा फार्म पड़ता है। मेरे को लगता है काफी पॉश इलाके के अंदर आपका ये जमीन और फार्म है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ जी हाँ। क्योंकि मेरे को लगता है आपके आसपास में कोई फार्म नहीं है, सब बिल्डिंगें बनी हुई। समझो इधर पीछे ही, समझो 2 मिनट पीछे ही कर्णावती क्लब है, जो वेरी फेमस है, मतलब फेमस में फेमस है। बिल्कुल। हाँ, उस जगह पे आप घोड़े बांध रहे हो। हाँ बिल्कुल। और मेन रोड के बिल्कुल ऊपर है। ऊपर है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने टाइम से घोड़े रख रहे हो? समझो घोड़े तो मैं 8 साल से रख रहा हूँ, लेकिन शौक है बचपन से ही है। ओके। और 10 साल से, मतलब 2 साल मैंने राइडिंग स्कूल में सीखा, और बाद में शौक थोड़ा बढ़ने लगा, और एंड्योरेंस का शौक चढ़ा बाद में। तो पहले एक घोड़ी ली, बाद में वो घोड़ी पे एंड्योरेंस किया, तो 40 किलोमीटर मेरा स्मित पटेल भाई है वो एंड्योरेंस पे उतरा था। बिल्कुल। तो 40 किलोमीटर में रहा, बाद में वापिस 60 किलोमीटर पे किया, और बाद में समझो 4 साल से हमको ब्रीडिंग का शौक लगने लगा। बिल्कुल। तो बाद में एक घोड़ी वापिस से ली, और उसको अपना पार्थ घोड़ा है, पार्थ घोड़ा था जुगनू गांधी के पास। बिल्कुल। तो उनके पास से हमने मेटिंग करवाया, और ये बच्चे हमारे घर पे ही इधर पैदा हुई है। यानी आपके घर की होम ब्रीड है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो इसकी माँ थी वो अभी आपके पास में है या सेल कर दी है? नहीं, अभी हमने सेल कर दी है। सेल कर दी। हाँ है। और जो घोड़ा है वो चला गया है आपके अहमदाबाद? रिलायंस में चला गया। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जैसे कि घोड़ा घोड़ी आपने राइडिंग से अपनी शुरुआत की। हाँ जी हाँ जी। तो उस टाइम पे जैसे कि राइडिंग से आपने अपनी शुरुआत की, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में आप थे। हाँ, तो हाँ। कैसे लगा कि भाई ब्रीडिंग में भी हमको आना चाहिए? ये शौक ही ऐसा है प्रदीप भाई, जैसे अंदर अंदर चले जाएंगे, मतलब वो क्या बोलते हैं ये, यानी कि सीढ़ी उतरते जाओगे। हाँ, सीधा सीढ़ी चढ़ते रहो, बस इसमें पीछे नहीं झुकना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते रहना है। और अभी भी हम लोग राइडिंग करते हैं, हर रोज शाम को करते हैं। डेली करते? डेली डेली शाम। यानी कि जब आपने घोड़ा घोड़ी रखना स्टार्ट करा था तो सबसे मेन पर्पस था राइडिंग? राइडिंग का। उस टाइम पे कोई ब्रीडिंग पर्पस नहीं? कोई भी पर्पस। ब्रीडिंग तो 4-5 साल बाद में आया। तो मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि ये जो अभी घोड़ी हमारे सामने खड़ी है, तो इसका बाप तो हो गया पार्थ। पार्थ है। और जो इसकी माँ है उसका क्या नाम है, और वो किस लाइन की थी? वो बिजली घोड़ी थी, हमने गांधी स्टड फार्म से ही ली थी, जुगनू सर के पास से। अच्छा, वहीं से घोड़ी ली थी आपने? हाँ, 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 ओके। तो वो घोड़ी वहीं से प्रेग्नेंट आई थी कि आपने? नहीं, 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 प्रेग्नेंट नहीं थी, हमने उसका बच्चा देख के ही हमने परचेस की थी। उसने बच्चा अच्छा दिया था। अच्छा। और अच्छी घोड़ी थी, ऐसे ही सेम यही कलर की थी। ओके। हाँ, तो फिर आपने अपने घर पे जब घोड़ी लेके आए होंगे तो फिर मैट कराई होगी? मैट कराई थी हमको पार्थ, पहले देख से ही, मतलब देखते ही हमको वो पसंद आ गया, यानी कि दिल के करीब। हाँ, एक बार सोच लिया था भाई एक बार इसको बच्चा लेने का ही है ऐसा। ओके। तो ये घर बच्ची फिर अपने घर पे होम ब्रीड पैदा हुई? बिल्कुल, बिजली घोड़ी से। हाँ। तो मैं जानना चाहूंगा अभी इसकी उम्र क्या हो गई है? अभी इसकी 3.5 साल उम्र है। 3.5 साल। हाँ जी। और अगर हाइट में बात करें तो हाइट में कितनी हो गई होगी ये? हाइट में तो ऐसा है प्रदीप भाई, आज तक तो किसी दिन अभी भी टेप से या स्टिक से मापा नहीं है, लेकिन सब लोग बोल रहे 62 से 63 के बीच में होगा। अच्छा, 62 से 63 के बीच में होगा ऐसा बोल रहे हैं। बाकी मैं आप सभी देखने वाले लोगों को बता देता हूँ, भाई की हाइट बहुत ज्यादा है, 6 फुट 1 इंच है। हाँ, तो आप उनकी हाइट से घोड़ी की हाइट का अंदाजा मत लगाना। आज तक हमने मापा नहीं है, अभी मापा भी नहीं, मेजरमेंट नहीं किया है। तो भाई मैं जानना चाहूंगा कि आपने इस घोड़ी को कभी शो वगैरह में लगाया है? जी, हमने लास्ट टाइम अभी भी 6 महीने पहले ही टीम गुजरात है हमारा, वो मेहसाणा में शो हुआ था शंकु वाटर पार्क में, राजेश चौधरी के वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उधर हमने लगाई थी 2 टेथ फिली में, दो दांत में। हाँ, दो दांत में लगाई थी। बिल्कुल। और किस पोजीशन पे आई थी? फर्स्ट नंबर पे आई थी। फर्स्ट नंबर पे आई थी। फर्स्ट नंबर पे। क्या नाम बता रहे हो आप इसका? लक्ष्मी नाम है।
यही है हमारी आन बान शान। आन बान शान यही, यही है। तो मेरे को लगता है कि लक्ष्मी को पहली बार ही रिंग में लगाया था। पहली बार लगाया था और पहली बार में ही विनर बनी। जी जी, पहले रणसी में लगाया था हमने। अच्छा। लेकिन वो टॉप सिक्स में आई थी, बाद में हमारा वो मतलब क्या है सो है, टॉप सिक्स में आई, टॉप सिक्स में आई थी। बिल्कुल। तो उसके बाद में जब मेहसाना में आपने लगाया और लक्ष्मी फर्स्ट विनर बनी, जी, तो क्या खुशी हुई? क्योंकि मेरे को लगता है कि ये बच्ची आपके घर की होम ब्रीड थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा गर्व हुआ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं अब तो होम ब्रीडिंग करनी है। हमारा ऐसा है 15-20 फ्रेंड्स लोग का ग्रुप है, समझो शाम को आके हम सब साथ में मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है भाई मेरा अकेला का ही मेहनत है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भाई, शाम को 20 गाड़ियां आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी, 15-20 गाड़ियां मिलेगी आपको। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि संगठन में शक्ति है। हां, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो दोस्त लोगों की जो पावर अगर एक दोस्त के पीछे लग जाए ना, तो वहाँ मेरे को लगता है कि आदमी का जो मोटिवेशन है ना वो 10 गुना ज्यादा हो जाता है। दोस्त है, फैमिली है, पापा है, सब लोग साथ ही देते हैं, वाइफ है, सब साथ ही देते हैं ऐसा। यानी आपको इंटरेस्ट है घर में या सबको इंटरेस्ट है? सबको इंटरेस्ट है, सबको इंटरेस्ट है। बाकी अगर इसकी मार्किंग की बात करें तो मार्किंग में क्या है? मार्किंग में ये ब्लेज है प्रदीप भाई, और दो पैर है। अच्छा। उल्टा है कट, जैसे बोलता है कट डाबा कट जमड़ा, लेकिन इसका उल्टा है। अच्छा। कट जमड़ा कट डाबा है। अच्छा। थोड़ा वो डिफरेंट है। दो पैर वाइट है। बाकी क्या और क्या चाहिए आपको? लक्ष्मी ने आपको रिंग में विनर बनके एक तरीके से बोलते हैं कि लक्ष्मी की तरह गिफ्ट तो दे ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी दोबारा भी अहमदाबाद में शो होने जा रहा है जी। तो क्या दोबारा भी शो में लोगों को ये लक्ष्मी घोड़ी देखने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी, शो में ले जाएंगे, जितना ना जितना वो दूसरी चीज है, लेकिन उसको भी शो का तो हमको वो एंटरटेनमेंट करवाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना एक भाई इधर ही रखेंगे, वो भी घूमनी तो चाहिए ना, और एग्जाम तो दिलवानी पड़े ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, यानी कि लोगों को अब की बार दोबारा जो शो होने वाला है अहमदाबाद का कुछ ही दिनों बाद ग्लोरी शो होने वाला है, तो उसमें भी ये देखने के लिए लोगों को मिलेगी। बिल्कुल। तो जब ये घोड़ी जब जीती होगी, तो पहली बार रिंग में यहाँ जीती, तो फिर उस दिन पार्टी वार्टी करी के दोस्तों ने? नहीं करी पार्टी तो हमारी हर रोज इधर, कुछ ऐसा नहीं है भाई, खाना पीना सब होता ही है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो दिन आनंद ज्यादा था, आनंद और दिनों से। और ये जो बच्ची होगी वो आपके फार्म की पहली ब्रीडिंग होगी ना? पहली ब्रीडिंग। उसके बाद में भी कोई बच्ची वगैरह अपने फार्म पे आई कि नहीं आई, यानी कि ब्रीड वगैरह की? नहीं, अभी आपने? की नहीं है, लेकिन अभी दो गुड़िया है हम करवा रहे हैं। ऐसा है, थोड़ा राइडिंग में ज्यादा फोकस था, अभी हम करवा रहे, दूसरी घोड़ी ली हुई है, तो हम ब्रीडिंग में अभी ध्यान दे रहे हैं ऐसा है। तो अगर बात करें इस घोड़ी की, तो इसको अभी किसी घोड़े से कवर करा रखा है या खाली है? नहीं अभी खाली है, अभी 3.5 साल हुआ है, अभी दिवाली के बाद देखेंगे। यानी दिवाली के बाद में देखोगे उसका थोड़ा स्ट्रक्चर बॉडी अच्छा हो जाए बाद में, समझो छोटी उम्र में भी हम नहीं करना सकते, और राइडिंग भी चालू नहीं किया अभी भी। बाकी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो लोग आज मार्केट में 10-15 साल से लगे पड़े ना ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनके बच्चा बच्ची रिंग में फर्स्ट आ जाए उसके लिए वो तरसते हैं। और आपका मेरे को लगता है कि आपके घर की होम ब्रीड और दूसरा रिंग में विनर बनी, तो मेरे को लगता है कि आपका की पहली बच्ची। हाँ, और मेरे को लगता है कि आपका मोटिवेशन तो छठे आसमान पे चला गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं चलो बहुत अच्छा है, और बाकी कलर भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। बाकी बस ये दुख की बात है कि घोड़ा चला गया है इसका। हाँ वो है। नहीं है ना, हमारा ये रिजल्ट आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। यानी घोड़े की कमी ये पूरी कर देती है लक्ष्मी। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल। हाँ जी। तो कभी किसी ने मांगी नहीं क्या रिंग में, जब घोड़ा घोड़ी विनर बन जाते उसके बाद में मांगने वालों की डिमांड बढ़ जाती है, तो कभी मन में ख्याल नहीं आया? ऐसा है प्रदीप भाई कि ऐसा नहीं है कि भाई 100 विनर हुई बाद में ही हमको ऑफर आए हुए है, ऑफर तो काफी आए हुए है, लेकिन हमने मतलब हमको इधर ही रखने का ऐसा था भाई, पापा ने भी बोल दिया था भाई इसको नहीं देने का है, तो हमने नहीं दी हुई है, क्योंकि मेरे को लगता है लक्ष्मी को दे दी तो घर से लक्ष्मी चले जानी। लक्ष्मी और ये हमारी बच्ची की तरह है, ऐसा है। क्योंकि ये घर की होम ब्रीड है तो बड़े लाड़ प्यार से पाला होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इस पे राइडिंग थोड़ी स्टार्ट की होगी आपने? नहीं, हम ये समझ लो कि 4-4.5 साल हो जाएंगे, बाद में स्टार्ट करेंगे। बाद में स्टार्ट करेंगे। हाँ, हाँ। अभी कुछ नहीं, सिर्फ बीट पहना रहे और कुछ नहीं कर रहे, बाकी कुछ नहीं। कुछ नहीं, लंजिंग देते, ये दो पैडॉक है, दोनों पैडॉक में सुबह शाम छोड़ देते हैं। तो बाकी क्या शेड्यूल रखते हो इसका सुबह से शाम तक? सुबह समझो प्रदीप भाई 6 बजे इसका दाना पानी हो जाता है, बाद में 7 बजे इसको छोड़ देते हैं पैडॉक में। बिल्कुल। 9 बजे तक, 8:30-9 बजे जब तक धूप ना निकले तब तक वो अच्छे से खुशी से दौड़ सके, ग्रेजिंग कर सके, यानी पैडॉक में छोड़ देते हो। हाँ, और बाद में खरड़ा ब्रश जो भी इनका रोज का शेड्यूल है, अच्छे से मालिश वगैरह और जो भी है शेड्यूल वो हो जाता है, और बाद में वो अलग, वो अपना शेड है अलग से, तो उधर दोपहर तक रहते हैं।
और बाद में 1 बजे वापिस से दाना होता है और बाद में 4 बजे उनका स्टेबल में चले जाते हैं। तो पूरा 6 बजे तक दाना दे के वापिस वो फ्री। तो आज लक्ष्मी मैं आने वाला था इसलिए लक्ष्मी चमक रही है कि डेली ऐसी चमकती हुई रहती है? नहीं प्रदीप भाई, डेली हमारी बच्ची की तरह बोल रहा हूँ तो समझ लो आप, डेली यही चमकती हुई, यही कंडीशन पे आपको मिलेगी कभी भी आप। देखो ये कलर बहुत देखे पर इस कलर में भी क्या बहुत ज्यादा चमक है, इसके हूफ है हर महीने सबका, ऐसा नहीं भाई इसका ही, हर घोड़े का हूफ वगैरह है, कान का वो कान के बाल का जो भी है ट्रिमिंग ग्रूमिंग है वो हर महीने शेड्यूल होता ही है। तो आप कितना टाइम देते हो घोड़ा घोड़ियों को? मैं समझो शाम को आता हूँ 5 से 7 और सुबह होता हूँ 9 से 10 में, यानी कि एक दिन में लगभग मानो तो 3-4 घंटे आप दो से तीन घंटे सही है पकड़ लो। बाकी जो भी लोग लक्ष्मी को और भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद में लोगों को लक्ष्मी घोड़ी अहमदाबाद शो में देखने के लिए मिलेगी। तो जो भी लोग अपनी आंखों से साक्षात देखना चाहते हैं वो सारे लोग इसको वहाँ पे देख सकते हैं। और 2 दांत रिंग में भाई दोबारा लगाने वाले, दो दांत में लगाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, वो मेरा भाई लगाएगा, मतलब स्मित पटेल है, वही हैंडलिंग करता है। बिल्कुल, मेरा तो सिर्फ मतलब प्रदीप भाई नॉलेज देने का काम है, मेरा और कुछ काम नहीं है, इसको तैयार करने का काम बटा हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। ओके थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी।